बिस्मिल्लाह रहमान। फ्रेंड्स, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है एरे का, ठीक है। एरे से पहले जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर ली है, और आज का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कराने जा रहे हैं। एरे जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और कॉमन टॉपिक्स है। आपको मैं बताता चलूँ कि एरे तकरीबन हर लैंग्वेज में यूज़ होती है, और जहाँ पे कोड को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है वहाँ पर हम लोग एरे का यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एरे की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एरे की एरे को कैसे डिफाइन किया जाता है, एरे की डिफिनीशन क्या है, एरे का इंडेक्स क्या है, और एरे के अंदर आज हम बेसिकली बिल्कुल स्टार्टिंग से कि एरे के अंदर हम एलिमेंट्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाकर दिखाएंगे एग्जांपल थ्रू, और उससे पहले हम डिफिनीशन की कोशिश करेंगे कि एरे की डिफिनीशन क्या होगी, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको पता भी है कि यहाँ पे जो मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ, मेरा बेसिकली मतलब ये है कि मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क ही करवाऊँ, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है इसका डिफिनेशन को समझना लाजमी है, और साथ साथ में जो हमारे पास इसका जो इंडेक्स है कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है मेरे पास जो सबसे पहले मैं इसकी डिफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ। आपको मैं बताता चलूँ, एरे जो है ना, ये पहले आप ये बात सुने, एरे जो है एक ड्राइव डेटा टाइप है, ठीक है, और ये तकरीबन सिमिलर डेटा टाइप को भी कह सकते हैं। सिमिलर डेटा टाइप जो होता है हमारे पास वो एरे होती है, ठीक है। तो मैं आपको जो है तो ऐसी डिफिनीशन बता देता हूँ इसकी, मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ बल्कि इट इज अच्छा मैं डिफिनीशन लिख रहा हूँ। इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम दैट स्टोर अ कॉमन नेम। ये छोटी सी डिफिनेशन है एरे की। इसमें जो है ना एरे का पूरा जो समझना या समझाना है वो कंप्लीट इसके अंदर आया हुआ है डिफिनेशंस के अंदर, ठीक है। एरे जो है ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स होती है, जो कि जो है ना एक कॉमन नेम के अंदर वो अपनी वैल्यूज को क्या करती है, स्टोर करती है, ठीक है। और वो वैल्यू स्टोर करती है जो हमारे पास सिमिलर डेटा टाइप होती है। कौन सी? जो सिमिलर डेटा टाइप में हमारे पास वैल्यूज होती है उसी को हमारे को क्या करती है, स्टोर करती है, ठीक है। तो ये छोटी सी डिफिनेशन हो गई। आफ्टर दैट मैं थोड़ा सा आपको और भी इसके बारे में बताता चलूँ कि हमारे पास ये अब पार्टिकुलर नंबर, मतलब मैं ये बताने की कोशिश करूँगा आपको कि इसका इंडेक्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, किस तरीके से होता है। तो मैं थोड़ा सा एक दो लाइन और भी लिखवा देता हूँ। आप पार्टिकुलर वैल्यू जो हमारे पास वैल्यू होती है, पार्टिकुलर वैल्यू इज एन एरे। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहां पे और शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं फ्रेंड्स आपको। पार्टिकुलर वैल्यू जो हमारे पास होती है, चलो मैं बता देता हूं कि जो हमारे पास आइडेंटिफाई होती है, जो एरे के नंबर जो होते हैं वो आइडेंटिफाई होती है हमारे पास। लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एरे। अच्छा, एरे इज आइडेंटिफाइड यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर, यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर, या आप कह सकते हैं सबस्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, मैं जो है यहाँ इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहले क्या हमारे पास है कि जो हमारे पास पार्टिकुलर वैल्यू होती है किसकी, एरे की, जो एरे आइडेंटिफाई करती है, ठीक है ना, यूजिंग इंडेक्स नंबर। हमेशा के लिए याद रखें, आपने या मेरी बात याद रख लेनी है,
कि जो जहाँ पर भी एरे का यूज होता है, एरे यूज हम करते हैं, उस दौरान एरे का जो इंडेक्स है वो जीरो से ही स्टार्ट होता है। बस ये आप याद रखें कि एरे का जो इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट होगा। जो हमारे पास लूप आएगी, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ लूप के अंदर कि आई बराबर है जीरो, आई लेस देन फाइव एंड आई को प्लस प्लस करो, तो आई लेस देन फाइव है ना, तो ये फोर तक चलेगा क्योंकि वहां आपका जो लूप है वो एरे जो है उसके अंदर क्या है, जीरो है। तो जीरो वन टू थ्री एंड फोर, ये पांच पूरे हो गए, तो मतलब आपका जो इंडेक्स जहां से शुरू होता है वहीं से आपकी काउंटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसका प्रोग्राम देखने की कोशिश करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट इससे और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा है इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास क्या है, एंड मैन का फंक्शन मैं कॉल कर देता हूँ और उसके बाद मैं सारे ब्रेकर को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इनिशियलाइज करूँगा और मैंने कहा इनिशियलाइज x, और यहाँ पे मैं जो है ना जो भी नंबर मैं दे रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने कहा 8, एंड देन मैं आई को भी इनिशियलाइज करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे लूप भी लगाऊंगा। ठीक है, अच्छा अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फोर लूप को यूज कर लेता हूँ और मैंने कहा आई लेस देन या आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो के बराबर है क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आई का इंडेक्स होता है वो जीरो होता है। आई लेस देन मैंने कहा 8, लेट्स सपोज। ठीक है, एंड देन आई जो है ना आई को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। अच्छा अब यहाँ पे क्या कैपी पेपर ओपन हो गया और प्रिंट एफ के अंदर मैं आता हूँ और मैं उसी नंबर्स को प्रिंट कर देता हूँ जो मैं नंबर लूंगा। मैंने कहा इंटर एरे एलिमेंट्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैं एलिमेंट्स और उसका जो है स्कैनफ के अंदर जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ वो मैं सेव कर देता हूँ स्कैनफ के अंदर, परसेंट डी कॉमा एड्रेस परसेंट, एंड मेरे पास क्या आएगा वहाँ पे एड्रेस परसेंट एक्स, एंड यहाँ पे मेरे पास बेकर्स आएंगे और स्टोर करेंगे आई। ठीक है, अच्छा ये अब मेरे पास आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले ये मेरे पास नंबर को दे देंगे, अब मैंने उसी नंबर्स को किस तरीके से प्रिंट करना है वो हमने यहाँ पर ही आना है। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे प्रिंट ऑफ के अंदर और मैं स्लैश एन लगाता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आए एरे एलिमेंट। अच्छा ये मेरे पास एरे एलिमेंट्स आ चुका है। ठीक है, एंड देन इस मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक लूप लगा देता हूँ, एक लूप लगा देता हूँ फॉर लूप, ताकि वो नंबर जो है वो मेरे पास क्या आए स्टेप बाय स्टेप आए। मैंने कहा आई बराबर है किसके, जीरो के, आई लेस देन 8 एंड आई को क्या करो प्लस प्लस कर दो। ठीक है, अच्छा अब आई को प्लस प्लस कर दो, जो नंबर मेरे पास यहाँ से आएगा एरे एलिमेंट्स को उसको भी यहाँ पे क्या कर दो प्रिंट कर दो। मैंने कहा प्रिंट एफ परसेंट डी। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा गेप देता हूँ ताकि जितने नंबर्स मेरे पास आएंगे, मतलब कि मेरे पास 8 नंबर आएंगे तो उसके बीच में जो है थोड़ा सा डिस्टेंस भी होना चाहिए। ठीक है, एंड देन यहाँ मैंने कॉमा लगाया एक्स और ब्रैकेट एंड आई जो मैंने वैल्यूज को स्टोर करना था। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है ना मैं रिटर्न के अंदर लिख देता हूँ कि रिटर्न में क्या दो मुझे जीरो दो। अच्छा अब फ्रेंड्स ये मेरा प्रोग्राम बन चुका है। ठीक है, अब हम रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कोई मिस्टेक्स तो नहीं है और मुझे आउटपुट क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग कंपाइल, पहले कंट्रोल एस से हम सेव करते हैं एंड देन कंपाइल एंड रन एट अ टाइम कर लेते हैं। अच्छा कह रहे हैं कि इंटर अ नंबर, फ्रेंड्स आपको नजर आ रहा होगा मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ आपको। ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल 34, 78, 90, 89, 76, 56,
अच्छा फ्रेंड्स, अब 23 के बाद मेरे पास मैं सपोज आपको नजर आ रही होगी। अब मैं यहाँ पे देखो, मैंने क्या कहा था कि मेरा जो नंबर होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। मैं अगेन कोर्ट की तरफ भी आऊंगा और वहां पर भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास सबसे पहले जो 34 है, ये मेरे पास क्या है, इंडेक्स नंबर जीरो है, ठीक है। ये मेरे पास जो है इंडेक्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। अब स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ रही होगी कि ये मैंने वहां पे 8 मेंशन किया है और यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि आपको भी मैं यहाँ से भी गालता हूँ। यहाँ पर आपने कहा कि नहीं 8 आएगा और यहाँ पर आपने ये भी कहा है कि आई लेस देन 8 हो, ठीक है, मतलब आई लेस देन का मतलब 7 हो, ठीक है। लेकिन यहाँ 8 नंबर्स क्यों, मतलब कि अगर 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपने 8 को मेंशन किया हुआ है तो 9 आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 8 क्यों आ रहा है। स्टूडेंट्स जब भी आपने ये मिस्टेक्स हमेशा के लिए याद रखें कि एरे के अंदर हमेशा आपने जो आपका जो इंडेक्स नंबर होगा वो आपका होगा 0। 0 से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी और लास्ट में जो भी चलता जाएगा आपकी काउंटिंग चलती जाएगी स्टार्ट से। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने क्या कहा, पहले जो मेरे पास नंबर आया था, ठीक है, पहले मेरे पास नंबर क्या आया था, 0 है, ठीक है। 0 जो है यहाँ पे चेक करेगा, 0 जो है क्या है? ये आई से आई लेस देन 8 है, जी बिल्कुल 8 है, नंबर प्रिंट कर देगा और यहाँ पे मेरे पास जो 0 का नंबर होगा, पहला नंबर जो होगा वो यहाँ पे जो है ना लेट्स सपोज सेव कर देगा जो भी नंबर होगा, ठीक है। अब दोबारा जाएगा वहां पे और फिर देखेगा आई बराबर है 1 के, फिर यहाँ पे चेक करेगा क्या आई जो है वो लेस देन 1 है, लेस देन 8 है, आई मतलब कि 1 जो है वो 8 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। फिर यहाँ पे जो है ना आएगा और यहाँ से जो है ना वो वैल्यूज प्रिंट करेगा, फॉर एग्जांपल जो भी वैल्यूज होगी, जो भी हम नंबर देंगे वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। फिर अगेन वहाँ पर जाएगा और फिर चेक करेगा, 1 के बाद 2 आता है, ठीक है, 2 जो है वो आई के बराबर है और यहाँ पे कह देगा कि जो 2 है वो 8 से छोटा है, बिल्कुल हाँ छोटा है। फिर यहाँ पर आएगा और यहाँ से फिर अगेन जो है वो यहाँ पे हमें प्रिंट आउट करके देगा, ठीक है। और जो लास्ट में जो नंबर्स आएंगे वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको बेसिकली, ये हमारे पास एरे का इंट्रोडक्शन था कि एरे के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। ये प्रोग्राम जो है बेसिक है एरे का और कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम लोग एरे के आफ्टर दैट इस वीडियो के बाद हम लोग एरे के टाइप्स पढ़ेंगे, एरे के कौन कौन से टाइप्स है उसको फर्दर डिटेल से उसको डिफाइन करेंगे, साथ साथ जो है उसको जो है उसका प्रोग्राम भी बनाएंगे एंड देन आफ्टर दैट उसको रन भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो एरे से, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एरे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है एरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले भी मैंने यही आपको कहा कि एरे जो है ना, जहाँ पर हम लोग कोड करते हैं और कोड को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर हम लोग एरे का यूज़ कर लेते हैं। तो एरे की वजह से कोड जो है हमारा छोटा हो जाता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है, रिप्लेसमेंट जो हमारे पास उसकी होती है, जो हमारे पास रिप्लेस होती है वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एरे का टॉपिक था। आफ्टर दैट इंशाल्लाह एरे के टास्क भी हम पढ़ेंगे और उससे फर्दर जो है फिर हम स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।